अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज जी काफ़ी अर्से बाद, तकरीबन आलमोस्ट 1.5 मंथ बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो कुछ लोग काफ़ी मैसेजेस कर रहे थे कि यार भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी बिजी था यहाँ पे, तो कोई टाइम या स्केड्यूल नहीं बन रहा था जिसकी वजह से ना मैं वीडियो बना सकता था। लेकिन आज भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जो कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और जिनको लाइसेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आज की वीडियो प्रॉपर देखें। तो उनको आज मैं सारा, मतलब कि शॉर्ट वे में सारा समझाऊंगा कि इधर लाइसेंस बेस सिस्टम क्या है और किस तरीके से आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, और उबर शुबर के जो रोले हैं वो भी आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो आज आपके भाई का टेस्ट है, तो आज क्लियर करने चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है, और साथ आपको बताऊँगा कि टेस्ट की बुकिंग वगैरह क्या तरीका होता है। तो फिर पहले नाश्ता करते हैं, तो फिर तकरीबन 1 बज गया, तो 2:30 बजे टेस्ट है, आधा घंटे का टाइम है, नाश्ता करते हैं और स्कूल से फिर नाश्ता करके फिर निकलते हैं। तो गाइस ये हम जाने लगे हैं, तो यहाँ से तकरीबन है कोई, सलान भाई कितने मिनट का रास्ता है? 50 मिनट का। तो 50 मिनट में पहुँचेंगे। ये हमारे इंस्ट्रक्टर हैं जो कि आज हमें बताएंगे कि किस तरह ड्राइविंग टेस्ट पास होगा। तो मिलते हैं फिर। ये विक रोड बैठे हुए हैं हम, तो अपने टेस्ट की बारी। तो गाइस ये हमारा टेस्ट स्टार्ट होने लगा है, चल दौड़। गाइस तो ये हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो अब देखते हैं टेस्ट का क्या बनता है। तो आपको दिखाता हूँ, हमने विक रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आएगी थोड़ी देर तक इंस्ट्रक्टर, मेरी इंस्ट्रक्टर अंदर है, तो यहाँ पे आएगी, वो मुझे बताएगी कि ये हैजर्ड लाइट है और ये चीज़ें हैं, इनको आप दिखाओ, और मतलब कि ये वाइपर ऑन ऑफ करो, और ये हाई बीम का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें बताएगी, फिर टेस्ट स्टार्ट होगा। टेस्ट के दौरान मुझे नहीं, मतलब कि वीडियो ऑन करने देगी, तो इसी वजह से वीडियो बना रहा हूँ। तो टेस्ट देने के बाद बस दुआ कीजिएगा पास हो जाए, उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें बताऊँगा ए टू जेड के कैसे पास आउट होंगे, तो और चीज़ें बताऊँगा कि किस तरह आप अपना फुल लाइसेंस वगैरह हासिल कर सकते हैं। मेरे इंस्ट्रक्टर सामने चले मैं बात। तो जी भाई ये पार्किंग पे लगा, आधे घंटे का टेस्ट हुआ है, तो अब देखते हैं ऑफिस जाते हैं, देखते हैं क्या साफ बनता है, कितने नंबर आए, क्या पास हुआ क्या नहीं हुआ, तो देखते हैं जा कितनी गलतियाँ की हैं। ये देखें 4 गलतियाँ करती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी शक्ल दे के पास कर दी। कॉन्ग्रेचुलेशन असद। ये देखें भाई, आज हमने ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस ले ही लिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जर्नी। तो ये भाई ने भी लिया, लेकिन ये भाई शर्मा रहे हैं। तो आपको बाद में घर जाके आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगा कि इसका क्या सीन है, क्या सीन नहीं है, तो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे तो P2 मिला क्योंकि मेरा 1 साल पुराना था, और जिसका 3 साल हो तो उसको पूरा मिल जाता, वो आपको बताता हूँ बाद में, पहले आप सफर का मजा लीजिए। जी गाइस तो अभी मैं घर आया हूँ, तो आज बहुत ही बिजी डे था। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सुबह उठा हूँ, तो उठते साथ ही आपको जैसा कि वीडियो में दिखाया था कि टेस्ट देने गया था, टेस्ट दे के आते साथ ही मैं जॉब पे चला गया था। तो अभी जॉब से आया हूँ, तो मैंने कहा कि सारी चीज़ें ना इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा लाइसेंस के हवाले से। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था तो उसमें ये सीन है कि लाइसेंस में कि यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक पहले लर्नर आता है, और उसके बाद फिर आता है P1, फिर P2, ठीक है। तो कुछ लोगों को डाउट होता है कि यार हमारा 1 साल पुराना है, तो हम कौन सा हमें लगेगा लाइसेंस, हमें फुल मिलेगा कि नहीं। तो आपके लिए शॉर्ट वे कर देता हूँ ताकि आपके लिए सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसा कि P1 से लेके P2 और P2 से लेके आपका फुल लाइसेंस जो है ना,
वो आपको तकरीबन 3 साल लग जाते हैं, ठीक है। और अगर आपका पाकिस्तानी जो लाइसेंस है ना वो 3 साल पुराना है, तो आपको डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह मेरा 1 साल पुराना था तो मुझे P2 लगा है, तो P2 का मतलब है कि मुझे 2 ईयर्स और चलाने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा मसला है यार, 2 ईयर्स अब इसी लाइसेंस पे गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन कोई नहीं थी, तो ये था कि फिर मैं अगर चलाता तो वो इलीगल थी गाड़ी, तो इसीलिए अपना लाइसेंस रखो पास, जो भी मिलता है वो लो। ऐसी लालच ना करो कि आप फेक लाइसेंस बनवा लो या 3 ईयर जो भी है, तो इधर आके अपना लाइसेंस बनवा लो। तो ये है कि अगर कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लग गया तो वो एक लैदा रोला निकल आता, फिर आपको दोबारा एम्बेसी में जा कहीं जाना पड़ता अपना लाइसेंस अप्रूव करवाने के लिए, तो वो बहुत लंबा चौड़ा रोला पड़ जाता है। तो इसीलिए आपको यही मशवरा देता हूँ कि जब आप आएँ तो अगर आपका 3 साल पुराना है तो वो वेल एंड गुड है, तो आपने आते साथ ही अपना लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन यहाँ का लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा अगर जिसका 1 साल पुराना है उसको P2 लगेगी, उसका 2 साल हो जाएंगे, ठीक है। और इस जिसका 2 साल पुराना लाइसेंस है उसको P2 ही लगेगी, उसको फिर 1 साल चलानी पड़ेगी। अगर जिसका 2.5 साल पुराना है उसको फिर आधा आधा साल चलानी पड़ेगी। आपको समझ तो आ गई होगी कि मतलब कि 3 साल यहाँ पे लाइसेंस पुराना होना चाहिए, ठीक है। जितना साल आपका पुराना है उतने साल आपके कम होते जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट लाइसेंस में। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो पहला होता है एमसीक्यू टेस्ट, वो आपने ऑनलाइन पास करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर होता है हैजर्ड टेस्ट, वो ऑनलाइन भी होता है, और आपने यहाँ पे मेलबर्न में जैसे विक रोड है तो आपने विक रोड जाके भी वहाँ पे भी दे सकते हैं, और आप यहाँ पे आके ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन देने के बाद फिर फाइनल स्टेज आती है आपका जो है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में फिर आपने अपना जिस तरह मैंने ट्राई दी है, आपको दिखा तो नहीं सका, लेकिन ये था कि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो ये कि फिर फिजिकल टेस्ट के बाद आपको एक छोटा सा पेपर दे देते हैं, फिर हफ्ते में आपका लाइसेंस घर आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये आपको मैं मशवरा दूंगा कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आएँ तो आप प्लीज़ टाइम ज़ाया ना कीजिएगा, मेरी तरह मैंने भी 6 महीने अपने मतलब के करके फिर लाइसेंस बनवाया, लेकिन आप आते साथ ही अपना हल्की सी मतलब कि ट्राई देते रहिएगा, ठीक है, एमसीक्यूज करके मतलब कि आराम आराम से अपना स्टेप करके, तो फाइनल लाइसेंस अपना ले के तो अपना ये काम ख़त्म कीजिएगा, तो ये क्या लाइसेंस मिल जाएगा, फिर आपको टेंशन नहीं होगी, तो आप फिर इजीली यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भैया आज तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपना टेस्ट पास किया, 5 गलतियाँ लाओ होती हैं P2 में, तो मेरी जो थी 4 गलतियाँ थी। तो एक पार्किंग की थोड़ी सी गलती आ गई थी, मुझे उसकी समझ नहीं आई थी, तो उसने बोला था गाड़ी के आगे रोकना, मैंने पीछे रोक दी, और एक हेड चेक की तो निकालते निकालते गलती तो गलती निकालते निकालते हैं, लेकिन मैंने हेड चेक एक दो जगह पे नहीं किया था तो उसने उसकी भी गलती निकाल दी। और एक जगह 80 का जोन था, मैं 60 में थोड़ा स्लो जा रहा था, तो उसने वो भी मुझे बताया कि आप स्लो क्यों जा रहे हो, आप ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे थे ये। तो फिर मैंने उससे थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, तो उसने, लेकिन रिक्वेस्ट चलती तो नहीं है, लेकिन ये था कि मेरी 4 गलतियाँ थी, अगर 5वीं हो जाती तो उसने मुझे फेल कर देना था। तो लेकिन बहरहाल जो भी है होता अच्छे के लिए होता, आप मैंने पास कर लिया तो बस लाइसेंस मिल गया, बात गई रात की बात की। तो अब ये है कि मुझे ये है, मेरा साल 1 साल 4 महीने है, तो मुझे ये कि 2 साल तक मुझे अब चलाना पड़ेगा, 1 साल कोई 6 महीने 7 महीने अब ये लाइसेंस चलाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको फिर P जब मिलेगा तो आपको यहाँ से एक P प्लेट लेनी पड़ेगी, कहीं से भी मिल जाएगी, स्टोर से आपको $4-5 की मिल जाएगी। आपने वो गाड़ी के पीछे भी लगानी हो और आगे भी लगानी है, ठीक है, तो वो लगा के फिर आपने घूमना है, तो फिर आप ड्राइव करो साल, फिर उसके बाद आपका सारा हो जाएगा। तो जिसका 3 साल पुराना है उसको कोई टेंशन नहीं है, वो आके यहाँ पे अपना डायरेक्ट ले सकता है। उसके अलावा शॉर्ट वे कोई भी कहीं पर भी नहीं है, अगर आप शॉर्ट वे लोगे तो भैया आप मुश्किल में फंसोगे। तो आपको इसीलिए मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप जो भी आपका लाइसेंस बनता है वो बनवाएं और आके आप यहाँ पे ताकि गाड़ी ड्राइव कर सकें, 6 महीने तक कर सकते हैं यहाँ पे विक्टोरिया में, उसके बाद अपना लाइसेंस ज़रूर लें ताकि ये कि आप फाइन से बच जाएं। अगर आप लाइसेंस एक्सपायर के बाद फाइन हो गया आपको तो बहुत बुरी बात होगी, एक डीमेरिट्स भी गिरेंगे, और उसके अलावा $300-400 का फाइन होता है यहाँ पे, फाइन बहुत ज़्यादा है, मेरे भी 2 फाइन हुए हैं तो मुझे पता है यहाँ पे फाइन बहुत ज़्यादा होता है। तो काइंडली प्लीज़ ये वीडियो को आप लाजमी सीरियस लीजिएगा, जो भी इधर आ रहा है तो वो ज़रूर अपना लाइसेंस पाकिस्तान से पहले तो बनवा के आए, अगर बना हुआ है 3 साल तो वो वेल एंड गुड है। और रही उबर की बात, उबर का ये सीन है कि यहाँ पे अब
बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं अभी, तो यहाँ पे उन्होंने ना मतलब कि ऊबर की आईडीज़ वगैरह ना बंद कर दी हैं, तो ये है कि अब पता नहीं अब कब खुलेंगे, लेकिन जिन्होंने बनवाई हुई हैं उनका उनके लिए तो गुड सीन है, तो जिन्होंने अब आना है तो वो अब थोड़ा सा मुश्किल में है। लेकिन ये है कि आप ऊबर के अलावा एक दो और हैं, एक डोडैश है और एक मैन्यू लोग है, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उनको अपनी डिटेल सेंड कर लीजिएगा। लेकिन ऊबर से थोड़ी सी कम अर्निंग होती है, लेकिन ये है कि वो स्टिल ना होने से तो बेहतर है, ठीक है। तो वो आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा यहाँ से आके, तो जब यहाँ आएंगे तो बाकी, और जब ऊबर खुल जाएगी तो फिर आप दोबारा अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन ऊबर के लिए भी यहाँ पे फुल लाइसेंस रिक्वायर्ड है, मेरी भी ऊबर बंद हो गई है तो मैं नहीं कर सकता ऊबर, अब उसके लिए भी फुल लाइसेंस रिक्वायर्ड है। तो अब मैं 1.5 साल बाद ही ऊबर करूँगा, तो उसके अलावा मेरे पास 2 ऐप्स हैं, वो मैंने आते साथ ही कर ली थी, तो अब मैं उस पर ड्राइव कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो भाई का चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में लिख दें या मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएं, ताकि मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा वहाँ पे। तो सॉरी बहुत देर हो गई है, तो आज मतलब कि बहुत दिनों के बाद मैंने आज वीडियो बनाई है, तो उसके लिए माजद। तो बाकी अब इंशाल्लाह कोई हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस मैं ज़रूर डाला करूँगा, अपने यूनी के रिलेटेड भी डालूंगा, कॉलेज के रिलेटेड जो भी है वो भी डालूंगा, और वीज़ा कंडीशन के बारे में भी बताऊँगा, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी इंपॉर्टेंट जो आपको चाहिए उस बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, भूलना ना। तो प्लीज़ थोड़ी हिम्मत मिलती है फिर वीडियो बनाने की, कोई मेरा चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ, कोई लाइक और सब्सक्राइब से मुझे कोई इतना ज़्यादा पैसे नहीं आ जाने, लेकिन ये है कि कोई मुझे लाइक और सब्सक्राइब करेगा तो उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन होगी कि यार कि मैं थोड़ी सी वीडियोस बनाऊँ ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन भेजूँ, और मैं कोई ऐसी गलत वीडियो नहीं बनाऊँगा जिससे कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी बंदों को, लेकिन ये है कि स्टिल अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँगा जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।